दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उसका एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के ही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे आके पूछ क्या रहा है। रिप्लेस ईच डॉट बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमें क्या बताना है कि हर डॉट को रिप्लेस करना है करेक्ट डिजिट के साथ, लेकिन सब्ट्रैक्शन वाले केस में। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ए पॉइंट क्या कह रहा है कि इस डॉट की जगह कौन सा करेक्ट डिजिट यहाँ पर आएगा। तो हमें क्या करना है कि 7 में ऐसी कौन सी डिजिट एड करे कि 12 आए। ठीक है, तो 7 में हम 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करने से 12 आएगा, 12 का 2 यहाँ पर है और एक कैरी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 3 प्लस 1 4, 4 में हम क्या ऐड करें कि 5 बन जाए, तो आएगा यहाँ पर 1। ठीक है, और अब आएगा 8 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 14 बन जाए। तो 8 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, तो 14 का 4 यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, तो 0 प्लस 1 1 में क्या ऐड करने से 6 होगा, 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 0, 0 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम डॉट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं बी की हम। तो बी पॉइंट में हम देखते हैं कि क्या होगा। तो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 10 का 0 यहाँ पर लिख देंगे हम और एक कैरी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, 4 प्लस 1 5 5 में ऐसा क्या ऐड करें कि 7 हो जाए, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2। ठीक है, अब क्या आएगा यहाँ पर 6 माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, 2 यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ पर 0 है, 0 है मतलब 5 माइनस क्या करेंगे हम 5, 5 माइनस 5 करने से 0 आ जाएगा। 9 प्लस 6 करेंगे तो 15 आएगा, 15 का 5 यहाँ लिख दिया और एक कैरी यहाँ लगा दी। 3 प्लस 1 4 4 मतलब 6 में से 4 लेस करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन वाले केस में डॉट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है सिंप्लीफाई। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों का ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले याद रखें हमें पहले एडिशन करना है, ठीक है, और उसके बाद हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में एडिशन करेंगे। तो पहले हम इन दोनों डिजिट को ऐड कर लेंगे, 6 5 6 6 6 4 3 2 1 4 1, इनको क्या करना है हमें ऐड करना है। तो 6 प्लस 1 7 6 प्लस 4 10 10 का 0 एक कैरी, 6 7 8 6 7 8 5 प्लस 3 8 6 प्लस 4 10। तो ये एडिशन करने के बाद ये आ जाएगा और इस डिजिट को अब हम यहाँ पर लिखेंगे 10 8 0 7 और इसमें से इसको हम लेस कर देंगे 7 6 5 4 3 2। ठीक है, इसमें से हम इसको लेस करेंगे, 7 में से हम 2 लेस करेंगे तो 5 आएगा, 0 में से 3 माइनस नहीं होता तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3 7, ये हो जाएगा 7 माइनस 4 3। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2 और 10 माइनस 7 3। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 3 2 3 3 7 5। तो कुछ इस तरीके से हम जो है सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो याद रखना, जब भी हमें क्वेश्चन में प्लस और माइनस दोनों दे रखा हो तो पहले एडिशन करना है और फिर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का समझाया आपको समझ में आया होगा। और बाकी के और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जुड़े रहे हमसे और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।